आप सभी बारी बारी से सभी कलाकारों का गायन वादन देख रहे हैं। परम आदरणीय जनता जनार्दन, सम्मानित कमेटी, दूर दूर से आई झिकड़ी प्रेमी जनता एवं हमारी मातृशक्ति माता मैंने दलवीर ब्रजवासी एंड रंजीत की तरफ से आप सभी के चरणों में बार बार नमन प्रणाम, राम राम साहब। जो हमारे ढोलक पर संगति कर रहे हैं मोनू भाई खंदौली आगरा से, और झींका पर जो झनकार दे रहे हैं देवेंद्र मस्ताना जी पेशावर वाले, और जो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पंडित रोहिता जी जनूथर साउंड सर्विस, आप आनंद ले रहे हैं झिकड़ी भजनों का, ऐसे ही लेते रहे। हाँ जी, जैसा कमेटी का आदेश है लास्ट नंबर मेरी ओर से हर निवेदन को स्वीकार करते हुए, और मैं कोशिश कर रहा हूं तीन दिन से के जो आपको सुनाकर जाऊं अच्छा ही सुनाकर जाऊं, क्या बात है। और फिर कोशिश करूंगा महाराज जी अपनी तरफ से। जिसने कराया कीर्तन वो प्रभु के दिल में हर गया, जिसने कराया कीर्तन वो प्रभु के दिल में भर गया, और दलवीर कहे बिन कीर्तन ये नर तो यो ही मर गया। एक भवानी सबसे पहले मेरी तरफ से कहा कि कभी प्यासे को पानी, हाँ जी दादाजी एक गाना बजा आपके समय में, और गाना भी ऐसा बजा कि पूरे विश्व में ऐसा कोई मुख नहीं था जिस मुख ने उन लाइनों को नहीं गाया हो। और वो लाइन क्या थी, ये 10 रुपए हमारे दादाजी की तरफ से बार बार नमन, और 100 रुपए का पुरस्कार दे करके गए थे, 100 रुपए 50 रुपए समय सिंह और 50 रुपए वीरेंद्र जी, और ये 101 रुपए का पुरस्कार दे करके गए थे, मैं नाम से परिचित नहीं हूँ, और ये 11 रुपए महाराज जी की तरफ से, और ये 51 रुपए देवराम जी माउंटौली वाले उनकी तरफ से। देखेंगे आप लोग वो लाइन क्या थी, हो कभी प्यासे को पानी, दादाजी कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो बात अमृत पिलाने से क्या फायदा, क्या कभी प्यासे को पानी नहीं, के कभी प्यासे को पानी
फायदा। अब देखिए जो कुछ भी गाऊंगा मैं नहीं, आप सब बोलेंगे क्यों। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। क्यों के कभी गिरते हुए को कभी, जैसे कि उन्होंने अभी घोषणा की, जो भी परिस्थिति है, कमजोर है, ग्रस्त से कमजोर है, पैसे से कमजोर है, उन बच्चों को मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ऐसे लोगों की भी बहुत जरूरत है। क्यों कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। क्यों के कभी गिरते हुए को के कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, तो बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद कभी पिलाने से क्या फायदा। क्यों हाँ जी, पापों की नैया हिलती है, ये तो किसी लिखने वाले ने लिखा, लेकिन पापों की नैया हिलती है अपने माँ बाप की सेवा से, घर की फुलवारी खिलती है अपने माँ बाप की सेवा से। क्यों पापों की नैया हिलती है अपने माँ बाप की सेवा से, घर की फुलवारी खिलती है अपने माँ बाप की सेवा से, सुख मिलता चारों धामों का। और ये जितने भी पुरस्कार आ रहे हैं 10-10 रुपए के, क्योंकि देखिए कीमत सब चीज की है, ऐसा नहीं है कि 10 वालों की कीमत नहीं है। सुख मिलता चारों धामों का, हमारे पप्पू चाचा जी अटारी वाले, उनकी तरफ से बार बार आशीर्वाद की कामना। सुख मिलता चारों धामों का अपने माँ बाप की सेवा से, अगर मेरी लाइन आपके दिल को छू जाए तो अपना बच्चा समझकर आशीर्वाद दे देना। सुख मिलता चारों धामों का अपने माँ बाप की सेवा से, दुनिया की जन्नत मिलती है अपने माँ बाप की सेवा से, अपने माँ बाप की सेवा से, अपने माँ बाप की सेवा से। तब कहा क्यों के सारे तीरथ तेरे घर के, क्यों सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप है दादाजी। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप है, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप है, सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप है, सारे तीरथ तेरे काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा, क्या फायदा। और ये 51 रुपए हमारे ढोलक वाले पवन भाई एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सम्मान करें, क्योंकि सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप है, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। क्योंकि के घर पे जननी ये भूखी तड़पती रहे, घर पे जननी ये भूखी
तड़पती रहे तो संत ब्राह्मण जी माने से क्या फायदा। और ये 100 रुपए छोकरा वाले हनुमान जी और ये 51 रुपए सरपंच अटारी उनकी तरफ से और ये 100 रुपए नाहर सिंह अलीपुर उनकी तरफ से बार बार आशीर्वादी कामना। सारे तीर तेरे घर के माँ बाप हैं काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। घर पे मैया ये भूखी तड़पती रहे घर पे मैया ये भूखी तड़पती रहे तो संत ब्राह्मण जी माने से क्या फायदा। हो जाना नहीं हो देखिए जो भी हमारी माता बहनों की तरफ से ये पुरस्कार है मैं चरण छूकर आशीर्वाद चाहता हूँ और एक बार आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जोरदार तालियां बजा करके आप हमारी माता बहनों का सम्मान करें। क्यों जिसने पैदा किया उसको माना नहीं वो है किस हाल में ये कभी जाना नहीं। क्यों निज जननी के तन पर है धोती फटी। अगर लाइन आपके दिल को छू जाए तो आपकी आवाज चाहिए। क्यों के निज जननी के तन पर है धोती फटी तो माँ पे चूनर चढ़ाने से क्या फायदा। बहुत अच्छे कलाकार बाबा जो कह रहे हैं दर्शन में काई ढूंढ लो मैं शौकी के जो चले जा। निज जननी के तन पर है धोती फटी तो माँ पे चूनर चढ़ाने से क्या फायदा। लेकिन ते फिरते जो भगवान घर में तेरे छोड़ इनको भटकता काहे संसार में। क्यों पिता पानी को प्यासे के पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे और देखना पीछे तक आवाज आएगी के पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे तो शिव पे काबर चढ़ाने से क्या बात है। क्या जिसने पैदा किया उसको माना नहीं लेकिन और ये हमारे भजनलाल भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके देखिए ये बहुत बड़ी नसीब की बात होती है कि कलाकार पुरस्कार दे ये नसीब से मिलता है। आज से 5 साल पहले भी मैं जिकड़ी गाने के लिए आया था और मैंने ऐसे 8-10 गीत गाए थे जिन्हें आज तक लोगों ने गाया। तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है करण जैसा भाई मारा न जाता बड़ी बड़ी बहुएं दोला छोटे छोटे बहुत सारे गीत गाए लेकिन हमें खुशी होती है कि कलाकार गीतों को गाकर उनका प्रचलन और प्रचार करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां उन कलाकारों के लिए। क्यों बारे इंसान तूने तजी क्यों शर्म आखिर खड़ा हो गया। बारे इंसान तूने तजी क्यों शर्म क्यों के बारे इंसान तूने तजी क्यों शर्म
आश्रम हो मजबूरी है और जिंदन को रोटी ना मिली मर गए तो साथ जरूरी है मर गए तो साथ जरूरी है मर गए तो साथ जरूरी है के बारे इंसान तूने ताजी क्यों शर्म बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्धा आश्रम क्योंकि के कर्म ऐसे किए तो ना होगा भला कर्म ऐसे किए तो ना होगा भला राम गुरु ज्ञान पाने से क्या फायदा क्योंकि और ये एक से एक रुपए का पुरस्कार रोहतास पंडित जी डीजे साउंड एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान किया जाए क्योंकि के पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे तो शिव पे काबर जो ये गीत लिखा है मेरे बड़े भाई रामू जी ने एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप पहले उनका भी सम्मान करें क्योंकि निज जननी के तन पर है धोती फटी तो जगराता कराते जागरण के निज जननी के तन पर है धोती फटी तो माँ पे चूनर क्या फायदा निज जननी ये भूखी तड़पती रहे तो संत ब्राह्मण जी माने से क्या फायदा जीतू मास्टर अलीपुर वाले उन्होंने ये सम्मान किया एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका भी सम्मान करें और अब आप थोड़ा आनंद लेंगे जिकड़ी का क्योंकि देखिए मैं थोड़ा जा भाग दौड़ते ना दूर हूं मैं तो हकीकत स्वीकार करता हूं लेकिन आपको बहुत सिस्टम सुना करके जाऊंगा आप याद रखेंगे गीत मेरा भी होगा। हाँ भैया रंजीत कैसे है रही जिकड़ी प्यारे आइए देखिए इधर में अर्जुन ने अपने बेटे की लाश को दाग दे दिया सामने कौरव खड़े हुए हैं एक बार जोरदार तालियां बेटी के लिए और अर्जुन को एकदम से गुस्सा आ गया क्या गुस्सा आया भैया अर्जुन ने प्रण किया युद्ध में कल पग धारूंगा अर्जुन ने प्रण किया युद्ध में कल पग धारूंगा अरे दिवस छुपे तक युद्ध क्षेत्र में जयद्रथ कुहने धारूंगा अपनी देह जरा उच्चता में ये प्रण कर लिया के प्रभु अपनी देह जरा उच्चता में अरे जो कल ना मर पावे अरे पारथ उठ धरण पछाड़े खावे साफ शब्दों में जवाब दे दिया कि केशव माधव ये मैं प्रण करता हूँ कल दिवस छुपे तक जयद्रथ का वध कर दूंगा सुनिए क्या हो रहा है भैया मोनू क्या हो रहा है भैया अरे श्री कृष्ण भगवान और कल घमसान और हो रणे और वो पापी ना और जयद्रथ ना मारो और जाय सो सखावे साफ शब्दों में जवाब दिया कि कल
करता है वो टूट जाएगी। क्या बात है भैया, ये मैं दृढ़ निश्चय ये प्रण करता हूँ। लेकिन भैया तलवीर जी, अरे लुंगो चिता बनाए, कल ही सवर हो है जाय सो जाती है कि अर्जुन ने जयद्रथ को मारने के लिए प्रण कर लिया है। लेकिन भैया चौक में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भैया? अरे ये खबरी कौरव ने पाई, ये मालूम हो गया। अरे ये और खबरी कौरव ने पाई, और भैया जयद्रथ को ले बचाई, अरे जयद्रथ को ले बचाई। भैया जी, और ये आशीर्वाद एक बार जोरदार तालियां बजा करके आगे देना। अच्छे आगे बेटा, कोई बात ना, मेहनत करते रहे। जय हो। और ये शास्त्री, शास्त्री कोचिंग बछामनी वाले हमारे लिए अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, हम आशीर्वाद चाहेंगे। ओ अरे ये खबरी कौरव ने पाई, ओ अरे ये खबरी कौरव ने पाई, और जयद्रथ को ले बचाई, और जयद्रथ को ले बचाई, और जयद्रथ को ले बचाई। लेकिन भैया, अरे अरे चुन जोधा बलदाई रे, ये खबर कौरव ने पाई,
और भैया तुम जयद्रथ को ले ओ बचाई। अर्जुन जोधा बनदाई और बिन मारे छोड़े गो नहीं। ये उनकी समझ में आ गया कि तुमने अभिमन्यु का वध किया है और वो अपना बदला जरूर लेगा। लेकिन भैया जी इधर जयद्रथ के कानों में श्रवणों में ये गूंज पहुंच गई तो जयद्रथ अपना बचाव कर रहा है। किस तरीके से बचाव और क्या कर रहा है साहब? अरे आई जीता और कुरपति के जोरे गयो है आए। भैया अरे आई जीता युवराज बाबा परेशान है उनको साधो। अरे आई जीता आई जीता आई जीता कुरपति के जोरे कहो है आए। पप्पू चाचा जी दादाजी के पास पहुंचे आप। अरे रोई रहो है सिंह जी हमारे चाचा श्री दे रहे हैं आशीर्वाद चाहेंगे। अरे रो ही रहो है क्या बात है ओ रो ही रहो है ठाड़ो ठाड़ो रो ही रहो है ठाड़ो ठाड़ो। अरे बच्चा देखो अरे बच्चा कोई नॉर्मल परेशानी है बैठ के आराम से आप गीत सुनाएं। हाँ जी ब्रजवासी का आप गाना सुनिए। हाँ जी हाँ जी आप लोग ध्यान से सुने। कोशिश करके देख ले दरिया सारे नदियां बुझती है हर चिंगारी सोलह बरस की सोलह बरस की सोलह बरस की बाली उम्र को सलाम मैं प्यार तेरी मैं प्यार तेरी पहली नजर को सलाम सलाम प्यार तेरी पहली नजर को सलाम 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 तेरी पहली नजर को सलाम। हाँ जी क्या बात है साहब। दादाजी बाली उम्र की सोलह
सलाम तेरी पहली नजर को सलाम सलाम देखेंगे। चालान मैं भी रख रहा हूं, धरो हर धरा की इस धरा की धरोहर। और ये 51 रुपए होरी भैया उनकी तरफ से। धरो हर धरा की वीर जवान किसान। और मैं लाइन ऐसी लेकर के आ रहा हूं कि आपका दिल खुश हो जाए। महान मेरा महान मेरा भारत देश। कहने कलाकार अब सुनना के महान क्यों है। धरोहर धरा की धरोहर धरा की वीर जवान किसान। महान मेरा यमुना जी सूर्यवंशी यमुना जी सूर्यवंशी हंस हंस के कह रही। ओ यमुना जी सूर्यवंशी हंस हंस के कह रही। यमुना जी सूर्यवंशी हंस हंस के कह रही। क्योंकि इसी मातृभूमि पर ये इसी मातृभूमि पर ये हुए राम श्याम है। इसी मातृभूमि पर ये हुए राम श्याम है। काशी बनारस मथुरा काशी बनारस मथुरा अयोध्या सा धाम है। काशी बनारस मथुरा अयोध्या सा धाम है। काशी बनारस मथुरा अयोध्या सा धाम है। सोने की चिड़िया मेरे सोने की चिड़िया मेरे भारत का नाम है। सोने की चिड़िया मेरे भारत का नाम है। सोने की चिड़िया मेरे भारत का नाम है। सोने की चिड़िया क्यों इस धरा में बसी इस धरा में बसी हीरा मोती की खान। आपको गीत अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है साहब? बहुत अच्छा। इस धरा में बसी हीरा मोती की खान। तो एक बार मेरे साथ बोल दो। महान मेरा भारत देश महान। बोलिए भारत माता की। नारी की आदि शक्ति इसी मातृभूमि पर ऋषियों की भाव भक्ति इसी मातृभूमि पर। ऋषियों की भाव भक्ति इसी मातृभूमि पर। ऋषियों की भाव भक्ति इसी मातृभूमि पर। दादाजी ऋषियों की भाव भक्ति इसी मातृभूमि पर। बाइबल कुरान गुरु एक अपना ही ऐसा देश है। बाइबल कुरान गुरु ग्रंथ और गीता है। बाइबल कुरान गुरु ग्रंथ और गीता है। पैदा इसी धरती से पैदा इसी धरती से सावित्री सीता है। पैदा इसी धरती से सावित्री सीता है। पैदा इसी धरती से सावित्री सीता
राजा कोठन एक बार जोरदार तालियां बजा करके देखिए। इसी माटी में ये देश का गीत चल रहा है और शब्द बड़ी मेहनत की जाती है ऐसे गीतों को लिखने में, क्योंकि जीवन इसी माटी में ऋषियों का पीता है, पूजा भी पाठ भी, पूजा भी पाठ भी और दानी का दान, पूजा भी पाठ भी और दानी का दान, तब जा करके हुआ मेरा भारत देश महान महान महान, मेरा भारत देश महान महान, मेरा भारत देश महान। देखिए अंतिम लाइन, जो वीर इस धरा पर, जो वीर इस धरा पर कुर्बान हो गए, सम्मान जान करके, सम्मान जान करके वो महान हो गए, सम्मान जान करके वो महान हो गए। देखिए ये जो पुरस्कार मिल रहा है, कोई हमारी बहन साक्षी कोचिंग उनकी तरफ से एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सम्मान करें। जो वीर इस धरा पर कुर्बान हो गए, सम्मान जान करके वो महान हो गए, जान से भी प्यारा, जान से भी प्यारा हमें पावन तिरंगा है, जान से भी प्यारा हमें पावन तिरंगा है, क्योंकि वंदे मातरम का नारा, वंदे मातरम का नारा गाए यमुना गंगा है, वंदे मातरम का नारा गाए यमुना गंगा है, वंदे मातरम का नारा गाए यमुना गंगा है। गद्दार देश द्रोही, गद्दार देश द्रोही कर बात दंगा है, गद्दार देश द्रोही कर बात दंगा है। देखिए मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन कहना पड़ता है, हमारे किसान भाई आंदोलन दे रहे हैं दिल्ली में, पहले जितने भी आंदोलन हुए बिना त्याग के कोई तपस्या सफल नहीं हो सकती है, और जहां मटर पनीर मार रहे हो एड ले लेके, तुम बताएं क्या तुम किसान नहीं हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप किसान हो या नहीं हो? जहां सच्चाई नहीं है, इस देश को बर्बाद करने की साजिश है और कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी, जाने कितनों करोड़ों रुपए आ गए और उन पर मौज ली जा रही है, दंगा किया जा रहा है, अपने देश को जलाया जा रहा है, और नाम दिया जा रहा है किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन में लोग कौन है जिनकी जिंदगी दलाली में निकल गई वो किसान है आज। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? क्योंकि गद्दार देश द्रोही, गद्दार देश द्रोही जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाता है कभी, और जहां न पहुंचे कभी वहां पहुंच जाता है अनुभवी। शायर की कलम कभी किसी की गुलाम नहीं होती, क्योंकि जी पी शर्मा की कविता का करें गुणगान, एक बार जोरदार तालियां हमारे जी पी शर्मा जी के लिए। जी पी शर्मा की कविता का करें गुणगान, महान मेरा भारत देश महान। देखिए जब लास्ट में नंबर मेरा है तो विदाई लेने का भी हक मेरा है। हाँ जी पहला कर ले भैया, पहले तो भैया के आए थे तुम्हारे दर पे, ल
लगा रहे ये आना जाना, भूल हमारी दिल में न लाना, लेकिन हमको भूल न जाना। देखिए लगा रहे ये आना जाना, लगा रहे ये आना जाना, भूल हमारी दिल में न लाना, लेकिन हमको भूल न जाना। क्योंकि के आए थे अपने ही दर पे, आए थे अपने ही रथ पे, कुछ जज्बात के लिए और मुलाकात के लिए। तो हम करते हैं के हम करते हैं प्रणाम सातों जात के लिए, सातों जात के लिए। मेरी नाम राम डो, मेरी तुम सलाम डो, मेरी नाम राम डो, मेरी तुम सलाम डो। क्योंकि पत्ता टूटा डाल से फिर ले गई पवन उड़ा, के बिछड़े कब मिले कहूं अंत बसेंगे आए। अब के बिछड़े कब मिले कहूं अंत बसेंगे आए। जो के आए थे तुम्हारे दर पे, आए थे तुम्हारे दर पे, तीन रात के लिए, कुछ जज बात के लिए और मुलाकात के लिए। हम करते हैं प्रणाम सातों जात के लिए।